हेलो जी, नमस्कार सभी को। और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान होगी आज, क्योंकि आज हमारी भारतीय फुटबॉल टीम काफ़ी महीनों बाद एक फ्रेंडली मैच खेलने वाली है। तो सभी को इसी वक्त का तो इंतज़ार होता है कि कब हमारी भारतीय फुटबॉल टीम खेलेगी। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे जो दो फ्रेंडली मुकाबले होने वाले हैं बहरीन और बेलारूस के साथ, तो इन टीम्स में कौन से बहुत खास प्लेयर हैं जो इंडिया की नाक में दम करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स है जो बहुत करामात दिखा सकते हैं इन दोनों फ्रेंडली मैचेस में। और देखिए, जितना हमारा भारतीय फुटबॉल टीम को तवज्जो देना है उतना ही हमारे ओपोनेंट को भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि आप दुश्मन की शक्ति का अगर परीक्षण सही से नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो जो दुश्मन की ताकत है भैया, वो आपको बहुत बुरी तरह से पछाड़ सकती है। तो इसलिए आपको ओपोनेंट में कौन से बेहतर प्लेयर्स हैं इनके बारे में जानना जरूरी है। और न सिर्फ इसलिए कि उनके प्लेयर्स के बारे में पता चले, इसलिए भी जरूरी है कि आपको कुछ सीखने को मिले उन प्लेयर्स से, क्योंकि जब आप मैच देखते हैं तो आप पूरे मैच में हर प्लेयर के ऊपर नजर डालते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, किसने कैसा टर्न किया, किसने कैसा स्कोर किया, किसने कैसा हेडर मारा, ये सब चीज़ों पर आप गौर करते होंगे, है ना। तो उन प्लेयर्स से आपको सीखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बहरीन एंड बेलारूस के प्लेयर्स क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे प्लेयर होंगे। तो चलिए हम नजर डालते हैं ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं हमारे ओपोनेंट टीम्स में जो बहुत खास प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेलारूस की, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेलारूस का जो रिसेंट मैचेस हुए हैं पहले, तो उनमें क्या हाल हुआ है। तो देखिए, अभी हाल ही में तो उनका कोई मैच नहीं हुआ है, काफी पहले हुआ था जो 16 नवंबर को हुआ था, तो 1-0 से बेलारूस ने जॉर्डन को हराया था, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब पिछले साल के बाद सीधे अभी मैच हो रहा है जो हमसे ही होने वाला है उनका, है ना। अब इसके बाद हम अगर देखें भाई उनकी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स जो हैं उनके बेलारूस के बाहर भी खेल रहे हैं। और इसमें एक नाम मुझे खतरनाक ये लगा कि एक जाखर नाम के जो प्लेयर है वो खिमकी में खेलते हैं रसिया में, और खिमकी वो क्लब है जहाँ पर हमारे मैचेस हुआ करते थे, खिमकी फुटबॉल क्लब के ग्राउंड पर। तो थोड़ी सी एक याद मुझे आ गई। तो चलिए अब इनमें जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा, क्वालिटी कैसे पता चलेगी। तो आपको उसके लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो बेलारूस के जो प्लेयर्स हैं, तो बेलारूस के अगर हम प्लेयर्स देखें तो सबसे पहले आते हैं येवजेनी याब्लोन्स्की। अब ये नाम तो अपन गलत ही ले रहे होंगे, पता है। तो ये प्लेयर जो मिडफील्डर खेलते हैं और ये साइप्रस की फुटबॉल लीग में खेलते हैं, और इन्होंने 18 मैच में 3 गोल दागे हैं बेलारूस के लिए, तो एक काफ़ी अच्छे मिडफील्डर है। अब इसमें आप ये मत देखिए कि 18 मैच में 3 गोल है, ये देखिए कि इनको एक्सपीरियंस कितना है। ये बेलारूस में बहुत सारे, बेलारूस की जो लीग है उसमें काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस भले इनको कम है लेकिन इनका गेम बड़ा सॉलिड आपको दिखेगा। तो ये एक की प्लेयर बेलारूस के हैं मिडफील्ड, जो पूरी कमान संभालेंगे। फिर दूसरे प्लेयर हम देखें तो वह है मैक्स एबोंग, और ये भी मिडफील्डर है और एक कजाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलते हैं, ठीक है। और इन्होंने भी 18 मैच में 2 गोल मारे बेलारूस के लिए। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि बेलारूस की जो टीम है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले प्लेयर नहीं है ना, सब ने 18, 19, 20, 35 से ज़्यादा मैच किसी प्लेयर ने नहीं खेले, ठीक है। तो ये प्लेयर भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेंगे जब इंडिया से बेलारूस खेलेगी। फिर उसके बाद तीसरे प्लेयर है दिमित्री, और सरनेम तो भैया मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर हैं और ये बेलारूस प्रीमियर लीग में ही खेलते हैं, और इन्होंने बेलारूस के लिए 10 मैच में 1 गोल दागे। तो इनको आप इससे मत ये सोचिए कि फॉरवर्ड है, एक ही गोल मारा है 10 मैच में। देखिए, ये इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लीग मैचेस का, तो उस बेसिस पे मैंने इनको यहाँ पर रखा हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे फॉरवर्ड है वहाँ के। फिर उसके बाद चौथे प्लेयर हम देखें तो वो है व्लाडिस्लाव क्लिमोविच, शायद मैंने कैसा भी नाम पढ़ा पता नहीं। तो ये भी फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर हैं और ये हंगरी की फुटबॉल लीग में खेलते हैं, तो हंगरी की फुटबॉल आपको पता है कितनी अच्छी है। इन्होंने भी 19 मैच में 1 गोल दागा है बेलारूस के खिलाफ। अब यहाँ पर कई लोग आप ये भी सोच सकते हैं कि यार ये जो प्लेयर है ये तो बड़े कम कम गोल दागे हैं, लेकिन आप देखिए इनके अपोनेंट्स जो है वो यूरोप के रहे, तो इनका मैच कभी है ना कभी बहुत सॉलिड टीम्स से होता है, तो उनके खिलाफ भी वो गोल मारने में बड़ी तकलीफ होती है। तो आप ये मत सोचिए कि इन्होंने गोल नहीं दागे तो इंडिया के खिलाफ तो दागेंगे ही नहीं, ये बड़ी भूल होगी आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बहरीन के प्लेयर्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहरीन के मुकाबले देखेंगे। तो लास्ट मुकाबले इन्होंने इस साल में 2 खेले, एक 27 जनवरी को उन्होंने बहरीन और युगांडा का मैच हुआ था जिसमें जीती है बहरीन। फिर दूसरा मैच हुआ था 1 फरवरी को जो कॉन्गो से खेला था, उसमें भी जीती है। तो इस साल की शुरुआत भी उनकी काफ़ी बेहतर रही है, जीत से शुरुआत है। अब इसके बाद वो खेलने वाली हमारी टीम से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इनकी जो टीम है, इनकी टीम में जो प्लेयर्स है ये
16 नवंबर 2021 वाले हैं तो इसमें देख के कोई मतलब नहीं है ना कौन से प्लेयर। जो नए प्लेयर है वो पूरा स्क्वाड ही चेंज कर दिया गया है, उसमें बहुत यंग प्लेयर्स को भी चांस दिया, बहुत न्यू कमर्स को चांस दिया है, ठीक है। तो अब हम नज़र डाल लेते हैं एक बार इनके की प्लेयर्स कौन कौन से जो इस फ्रेंडली में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अली मदन, अबे इनका कुछ और भी हो सकता है, मैं तो अली मदन बोलूंगा इनको, ठीक है। तो ये विंगर हैं और ये यूएई की लीग में खेलते हैं, ठीक है। और ये 51 मैच में 10 गोल दाग चुके हैं बहरीन के लिए, ठीक है। तो भैया एक खासा प्रभाव डालने वाले इस मैच में, ठीक है। तो काफ़ी नाक में दम है हमारी डिफेंस लाइन के करने वाले हैं, तो इनके ऊपर नज़र डाल के रखिएगा। 7 नंबर मतलब रोनाल्डो फैन है ये भी चले तो मजाक की बात है। अगले प्लेयर है जसीम अल शेख, ठीक है, और ये भी फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर है और ये बहरीन की फुटबॉल लीग में खेलते हैं और 14 मैच में 2 गोल दाग चुके हैं। तो ये अभी अभी इन्होंने बहरीन टीम ज्वाइन करी है, तो 14 मैच में 2 गोल इन्होंने मार दिए हैं, तो ये भी खासा नाक में दम करने वाले हैं हमारी भारतीय डिफेंस लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे प्लेयर है हसीम सैयद ईसा, ठीक है, और ये भी फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर है, ये बहरीन फुटबॉल लीग में खेलते हैं और इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं 7 मैच में 3 गोल, मतलब अभी भी आए हैं और 7 मैच में 3 गोल दाग भी चुके हैं बहरीन के लिए। तो भैया ये इनसे तो बच के ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये लंबे चौड़े हेडर भी मार सकते हैं, लंबे लॉन्ग रेंज भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 9 नंबर है रोनाल्डो फैन अपने ब्राज़ील वाले। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद मरहूद, ठीक है, और ये मिडफील्डर पोजीशन पे मतलब मिडफील्ड में अपनी कमान संभालेंगे और बहरीन फुटबॉल लीग में ही खेलते हैं और ये 26 मैच में 10 गोल दाग चुके हैं, मतलब एज अ मिडफील्डर भी काफ़ी गोल दागते हैं भैया। तो इनसे भी बच के खेलना पड़ेगा क्योंकि ये तो मिडफील्डर है और मिडफील्ड से भी गोल दाग सकते हैं लॉन्ग रेंज वगैरह कुछ भी, तो थोड़ा देखना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। फिर उसके बाद अगले प्लेयर है महदी अब्दुल जब्बार, ठीक है, और ये स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलते हैं और ये बहरीन फुटबॉल लीग में खेलते हैं। 2020 के टॉप गोल स्कोरर थे ये बहरीन फुटबॉल लीग के, ठीक है, तो इससे ही समझ में आता है कि कितने खतरनाक गोल स्कोरर होने वाले हैं और 20 मैच में 7 गोल दाग भी चुके हैं बहरीन के लिए। तो भैया इन प्लेयर्स से तो खासा संभल के खेलना है ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ से गोल आ जाए इनकी साइड से। फिर उसके बाद आते हैं कोमेल अल अस्वाद और ये मिडफील्डर खिलाड़ी है और ये बहरीन फुटबॉल लीग में खेलते हुए 2019 के टॉप स्कोरर थे, तो एज अ मिडफील्डर ये टॉप स्कोरर थे, तो भैया समझ गए ना कितने डेंजरस हो सकते हैं, एक डेंजरस वेपन है बहरीन का। तो 42 मैच में 5 गोल दागे इन्होंने, तो आप देखिए इनकी मिडफील्डर पोजीशन है और 42 मैच में 5 गोल फिर भी दागे और टॉप स्कोरर भी रह चुके बहरीन फुटबॉल लीग के। तो भैया ये बड़ी समस्या की बात होगी क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं काफ़ी बहुत सारे बहरीन में, तो बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं जिनसे बच के खेलना पड़ेगा। और देखिए बेलारूस में भी बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं लेकिन काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं उनमें, है ना, काफ़ी न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा भी नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, टेक्निकली तो सभी साउंड होंगे ना बेलारूस के। तो इंडिया टीम के लिए तो दोनों ओपोनेंट मतलब एक ही जैसे हैं, है ना, दोनों ओपोनेंट इक्वली लेना पड़ेगा इंडिया को। और ऐसा भी नहीं कि बहरीन के लिए इंडिया बहुत ईजी टीम है या बेलारूस के लिए भी बहुत इजी टीम है इंडिया, इंडिया इज़ नॉट वेरी इजी टीम, ठीक है। इंडिया भी भैया आपने पता है ना बहरीन और बेलारूस, बहरीन और इंडिया का मैच हुआ था अपने इसमें एशिया कप में, इंडिया इज़ नॉट वेरी वीक टीम अगेंस्ट बहरीन, है ना, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी अपने ही प्लेयर क्या है, नए नए बहुत 7 प्लेयर तो नए गए हैं ना, तो अपने पास भी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है और अपने सुनील छेत्री भैया नहीं है जो मेन लीडर, तो थोड़ा सा उनको एक एक्सपीरियंस देने वाला, समझाने वाला, एक लीडरशिप निभाने वाला प्लेयर अपने पास फिलहाल नहीं है। तो सारी लीडरशिप किसको निभाना है, गुरप्रीत पाजी को, संदेश पाजी को। तो अब ये कैसे टीम को उत्साहित करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे और कैसे लीडरशिप निभाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और बाकी मैच देखने मजा आने वाला है और कई लोग बोल रहे थे लाइव स्ट्रीम कहाँ होगी, देखिए अभी तक का रिकॉर्ड है इंडिया के कोई भी मैच टीवी पे आते नहीं है, मतलब बड़े टूर्नामेंट को छोड़ के फ्रेंडली मैच टीवी वगैरह पे आते नहीं, बहुत ही रेयरली आते हैं। कहाँ पे आते हैं, फेसबुक पे लाइव या यूट्यूब पे लाइव, तो 99% चांसेस है कि आपको यूट्यूब या फेसबुक पे ही लाइव देखने को मिलेगा, टीवी पे तो आएगा ये कह नहीं सकते क्योंकि सेम टाइम पे सोनी जो चैनल जिसपे आ सकते हैं स्टार स्पोर्ट दूसरी चीज़ आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे टेलीकास्ट होगा। और एक डिस्कवरी स्पोर्ट्स आता है, अगर उसके साथ कुछ बात कर ले AFF तो शायद उस पे आ जाए, ना तो यूट्यूब और फेसबुक तो आखिरी उम्मीद है उसी पे आ पाएगा, है ना। ये हमारा दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के मैच हमको टीवी पे नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, नहीं तो बोलेंगे दूसरे गेम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये होगी लाइव स्ट्रीम वाली बात और बस तैयार रहिएगा, रात में मैच है, ठीक है, तो दोनों मैच आपको पूरे देखना 90 मिनट लग के। अगर आपके पास कुछ काम होगा तो मैच थोड़े लेट है, आपके पूरे काम आप निपटा सकते हैं, ठीक है, ये एक अच्छी बात है।
तो आप देखिएगा, लुफ्त उठाइएगा और इंडिया टीम को देखिएगा कि जो नए प्लेयर्स आए हैं वो कैसे है, कि कैसे वो क्या वो भारतीय फुटबॉल टीम में रहने लायक है, भारतीय फुटबॉल टीम में चल पाएंगे या नहीं। तो यही देखने के लिए ये फ्रेंडली मैच है ना। इसी से तो पता चलेगा, इतने न्यू डेब्यू दे रहे हैं, इसी में तो पता लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।